तारीफें दिन बनाती है और ताने जिंदगी। बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स। ये तारीफें सुनकर आप खुश हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया, अरे आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुमने ये काम बहुत अच्छा कर दिया, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तुम बहुत एफिशिएंट हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, यह हर काम को अच्छे तरीके से सलीके से करते हो, बहुत दिन बन गया आपका, बड़े खुश हो जाते हो आप। लेकिन ताने जो हैं, अगर कब सपोज किसी ने गलत कैसे बोल कैसे दिया, लाइक आपको चैलेंज कर कैसे दिया, वो आपकी जिंदगी बना देता है। क्योंकि फिर आप जोड़ तोड़ में उधेड़ बुन में लग जाते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि बेटा तुमने मुझे बोल कैसे दिया, तो मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगी ये चीज कि मैं क्या चीज हूं। तो हमेशा देखिए, मीठा बोलने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों की बातों में आकर के आप अपने आप को उनके कहे अनुसार मत चलिए। हमेशा ध्यान रखिए, कहते हैं ना, निंदक नेड़े राख राखिए। हमेशा अगर आपको अपने आप में सुधार करना है ना, तो देखिए निंदा करने वाले लोग जो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, उनके ऊपर एक जरूर वॉच रखिए कि वो आपको, वो हमेशा क्या करते हैं कि आपकी कमियों को सुधारते। वो बोलते तो गलत इंटेंशन से, लेकिन आपको आपकी कमियों का पता चल जाता है कि हमें अपने व्यवहार में कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है, और ये सुधार आपकी जिंदगी बनाता है। केवल झूठी तारीफ करने वाले, मुंह पर मीठा बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे नहीं होते। उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है, क्या पता उनको आपसे क्या फायदा लेना होता है, कौन सा लाइक उनका बहुत बड़ा काम आप बनाने वाले होते हो, उनको कौन सा बड़ा बेनिफिट मुनाफा आपसे होने वाला होता है, इसलिए वो झूठी तारीफ कर करके आपको लाइक चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता, लाइक वो उनको क्वालिटीज आपको पता है कि आपके अंदर है भी नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, और वो भी अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, लेकिन कुछ भी नहीं, बस बोलना सही है कि अरे यार, और आप मन ही मन मतलब समझिए मियाँ मिठू बन गए, अरे यार मैं तो बहुत वाकई में बहुत ही अच्छी हूँ, ये बोल रहा था, इस बंदे ने मुझे ये बोला, इस बंदी ने मेरी बहुत तारीफ करी। नहीं, आपके बारे में जो सच्चाई बोलेगा ना, वही आपका असली मित्र होगा, जो भी आपकी कमियों को भी आपको उजागर करेगा साथ में। क्योंकि देखिए, स्ट्रेंथ जो है उसके साथ साथ जो वीकनेसेस है ना, वो भी हमें पता होनी चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। तो स्ट्रेंथ तो आपको काफी, तो आपको खुद ही पता होती है कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है। वीकनेस जो होते हैं ना, जनरली हमको पता नहीं होती, क्योंकि सब लोगों को ये क्या लगता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो कमियां होती है ना, कमियां बहुत मुश्किल से पता होती हैं। तो जो अपनी कमियों को आपको पता बताता हो, जिससे आपको अपनी कमियां पता चलती हो, तो उन कमियों को सुधार करने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपके जो दिन है वो डे टू डे बेहतर बनते रहें। लेकिन साथ ही साथ जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी नीचे की जमीन खींचने की कोशिश करते हैं बिना किसी वजह के, चाहे वो देखिए ऐसे लोग हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हमारे मिलने वालों में, हमारे लाइक खुद के पर्सनल रिलेशन में, ससुराल वाले, लाइक हमारे कई ऐसे जो रिलेशंस होते हैं जो कि आपको महसूस होता है कि बार बार अपने वर्ड्स से, एक्शन से, अपने क्रियाकलापों से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप कई बार चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाते, मर्यादा की वजह से, रिलेशंस की वजह से नहीं बोल पाते। तो देखिए, हम सोचते तो यार छोड़ो जाने दो, लेकिन बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए, इन चीजों को दिल से नहीं लगाना, ध्यान नहीं देना, लेकिन आफ्टर ऑल हम भी इंसान है, वी आर ह्यूमन बींग, बुरा तो बहुत लगता ही है ना। तो ऐसे केस में क्या करें, सबसे पहले तो आप अपने आप का आकलन करके देख लीजिए, भैया आप में कोई कमी तो नहीं है कहीं, आप में कोई लाइक अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की आदत, या अपने खुद के मियाँ मिट्टू बनने की आदत, या कोई भी गलतियां आप में, खुद में तो कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम सीधी सादी इंसान हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, तो मेरे अंदर ये, मेरे को इस तरह से क्यों बोल रहा है, अगर आपने इवेल्युएट कर लिया अपने आप को, और आपको लग गया भैया मैं 100% परफेक्ट हूँ, तो अब आ जाती है बात एनालिसिस की। अब आपको ये देखना है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ, आपके साथ जलन की वजह से कर रहा है, या आपके साथ कोई और पर्सनल राइवलरी है, या आपकी प्रेजेंस उसको अच्छी नहीं लगती, या क्या रीजन हो सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण इसका हो सकता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है जलन। आपको लाइक कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको देख ही नहीं सकते, और आप उनको क्या है, भाव देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है कि वो आपको फिर हीन भावना का शिकार बनाने का कोई भी मौका नहीं छूटते। कुछ भी हो जाए, चाहे वो ऐसी ट्रिक्स प्ले करते हैं ना गंदी, कि आप कहीं ना कहीं उनकी जो चालाकी का और जालसाजी का शिकार बन ही जाते हो। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे आसान फंडा ये है कि इनको रियलाइज करा दो ये चीज कि तुम्हारी हरकतें अच्छी तरह समझ में आ रही है हमको, और उसके बाद उनको इग्नोर करना शुरू कर दो। लाइक वो जो प्लेस डिजर्व करते हैं ना, उनको वहीं पर रखो, उनको इग्नोर करके उन पर ध्यान देना बंद कर दो, उनकी हरकतों पर, उनकी क्रियाकलापों पर रिएक्ट करना बंद कर दो। और दूसरा, वो चाहते हैं ना आप जिंदगी में हार मान लें, तो उस पर डट कर खड़े रहो कि भैया हमको जो करना है ना, हम अपने आप ही करेंगे, तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारे इस एटीट्यूड से बायस होकर हम कुछ करने वाले नहीं है। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको जीत दिलाएगा
हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि नीचा दिखाने वाले लोगों से, नीचा दिखाने वालों के नीचे की जमीन खींचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, इग्नोर, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, उनको एक ऐसी जगह रखें ठंडे बस्ते में, लाइक है ही नहीं, उनके एग्जिस्टेंस को अपने लिए जीरो रखिए, तभी आप उनसे जीत सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, फिर भी जो बाहर वाले लोग हैं ना, वो आपकी कैपेबिलिटी की, यार पढ़े लिखी है, समझदार है, ये इंटेलिजेंट है, आपको किसी भी जो भी आपकी क्वालिटीज है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मन में अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अजीज होते हैं ना, जो आपके खुद के खास सगे वाले होते हैं ना, वो आपके सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। क्यों कहते हैं ना, घर का झोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध, जो बाहर से आए हैं वो लोग अच्छे हैं, लेकिन आप घर में रहते हो तो आप खराब हो, आप में उनको 10 कमियां नजर आ जाएंगी, वो ही सबसे ज्यादा आपकी काट करने की कोशिश करते हैं, आपकी कमियों को उजागर कर करके कर करके। इस तरह के लोग आपको ऑफिस में भी मिल जाएंगे, जो आपको डाउनग्रेड करके, लाइक आपको नीचा दिखा करके ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके ये चली जाए तो मेरे को प्रमोशन मिल जाए, लाइक। और यही इसी टाइप के लोग घर में भी देखिए, जो रिलेशंस होते हैं ना, चाहे वो सास बहू का हो, लाइक देवर या देवरानी जिठानी का हो, लाइक इवन नरक भाभी का भी हो, कई बार मैंने ये देखा है, जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये रिलेशंस के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नीचा दिखाने वाले लोगों के साथ में एक ऐसा, देखिए, एक ब्रिज बना लीजिए कि इन लोगों से कम बात करिए, इनको अपनी जगह दिखा दीजिए, इनको अपनी जगह पर ही रखिए, इनको अपने दिल में जगह बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि जब आपको जब पता चल जाता है ना कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए एंटी है, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है, लाइक वर्ड्स और एक्शंस जो है इसके, वो दोनों मैच नहीं करते। कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति जानते हैं, आपके सामने जानबूझ के सुधरने का नाटक करते हैं, आपको देखते कि अरे बहुत अच्छे हो गए, अब हम सुधर गए, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन याद करिए, इस तरह के लोग कभी भी नहीं सुधरते, इनको वक्त ही सुधारता है या फिर भगवान सुधारता है। तो आपको उसके पास इनको सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी लाइफ में जो है इस टाइप के लोगों का, जो कि आपसे चलते हैं या आपका अच्छा होते हुए नहीं दे सकते, उनसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस बना लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, देखिए कि घर में रहते हैं आपके लिए पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस रखना भी, तो भी ये करिए कि इनसे बातचीत करना कम कर दीजिए थोड़ा सा, जितना हो सके ना इनको अपने स्थान पर ही रखिए, दिल में मत रखिए इनको अपने। कई लोगों को मैंने देखा है कि, कई लेडीज की बात करी हूँ बेसिकली, ये अपने दिल और दिमाग में रखती हैं और पूरा दिन उसी बारे में सोचती रहती हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, क्यों कह दिया, अरे अगली को आपकी चिंता ही नहीं, वो तो नहीं सोच रही ऐसा कि मैं तो बोल के भूल गई है आपको, और आप सोचते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, अपने आप को परेशान करते जा रहे हो, उसकी वजह से आपकी फैमिली परेशान हो रही है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उन पर गुस्सा निकल रहा है आपका। इस तरह की काम नहीं करनी है, अपनी जो आपकी लाइफ जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही प्रेशियस है, इसलिए इसको अनजान लोगों की, जो कि आपकी लाइफ में प्लेस भी डिजर्व नहीं करते हैं, यार आप तो वो बात कर रहे हो कि लाइक कहते हैं ना, आओ तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, इस टाइप के लोगों के बारे में सोच सोच के अपनी लाइफ को बिल्कुल भी हेल्प बनाने की कोशिश मत करिए, खुश रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है खुशी देने के लिए आपको ये चीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर हैप्पीनेस, कि खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना के रखिए। नीचा दिखाने वाले लोग, आपको ताना देने वाले लोग, जो अजीजी आपके दुश्मन है ना, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी सजा होगी, देखिए, क्योंकि लाइक आप उनको सजा वैसे तो नहीं दे सकते फिजिकल पनिशमेंट, लेकिन जो एक होता है ना साइलेंट ट्रीटमेंट, वो भी कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, उससे आपका भी दिमाग खराब नहीं होगा और आपको ये पछतावा भी नहीं होगा कि मैंने उसको गलत क्यों बोला। सुन लेने से बहुत सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं और सुना देने से वहीं उलझ जाते हैं, सुना तो दिया, गलत तो बोल दिया, लेकिन आप जो एज ए ह्यूमन बींग, अगर आप अच्छे इंसान हो ना, तो बाद में अरे यार मैंने क्यों बोल दिया उसको ऐसा, इससे बेटर ठीक है चुप ही रह जाती, कोई बात नहीं। देखिए बाहर फिर उनके ऊपर ही रहेगा, आपका जो है आपके कर्म कहीं पे भी खराब नहीं हुए। दूसरा, चुप रहेंगी ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत ही ज्यादा चुप भी रहिए, कई बार क्या है जब आप चुपचाप सुनते रहते हो तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा यार ये मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देती है, सुनती नहीं, इसको बोलने का क्या फायदा। तो ये जो साइलेंट रिएक्शन होता है ना, कोशिश ये करिए इसी तरह के रिएक्शन को देकर के इस तरह के लोगों से जितना कम हो सके ना, उतना कम उलझें। और कई बार ऐसे, हाँ आमने सामने वाली स्थिति पड़ी जाती है ना, तो माय डियर फ्रेंड उस समय ज्यादा दबने की जरूरत भी नहीं है, फिर क्लियरली बोलना ही पड़ेगा कि तुम जो कर रही हो ना या कर रहे हो ना, मेरे को सब समझ आता है अच्छी तरीके से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, अपनी हरकतों को काबू में रखो, कई बार बोलना भी जरूरी हो जाता है। देखिए हमेशा केवल सुनने से भी काम नहीं चलता, जो प्रैक्टिकल टिप यही है कि देखिए, आप एज ए बेटर ह्यूमन बींग, एक अच्छे इंसान के नाते होने के नाते, कोशिश ये करिए कि अपने आप से पंगा नहीं लेना, समझ रहे हो तो भी ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो, लेट गो करने की आदत रखो, लेकिन जहां लगता है कि लेट गो रखना पॉसिबल नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, वहां पे कई बार बहुत जरूरी भी हो जाता है कि आपको फिर खुल करके सामने आना पड़ता है और कई बार कुछ बातों का जवाब देना भी पड़ता है। तो देखिए मैं जो टिप्स देती हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे,
थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन. बाय बाय.